दोस्तों ये टू व्हीलर का टायर है, यानी एक टीवा का है, और ये टायर पूरी तरह से घिस गया है। इसके अंदर नया टायर डालना है, ये वाला जो कि MRF का है, न्यू पेटी पैक टायर है। मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि इसका एरो किस साइड से रखना है। अरे काहे घबरा रहे हो भैया, हम हैं ना। तो हेलो भाइयों, आप देख रहे हो टायर टेक्निकल 313 यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में नया टायर फिटिंग करने से पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि एरो किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि आगे के टायर में किस तरह से एरो रखेंगे तो सही टायर घूमेगा, और पीछे के टायर में किस तरह से टायर को फिटिंग करेंगे तो एरो सही तरीके से घूमेगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एरो किस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में दो पहिए में जितने भी प्रकार की गाड़ी है वो सभी प्रकार की गाड़ी का एरो किस तरह से रखना चाहिए मैं बताया हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यार गरीब आदमी हो यार, क्यों मजाक ले कर रहे हो। एक और बात, अगर एरो अच्छे तरीके से फिटिंग नहीं हो पाएगा, यानी अगर सीधा फिटिंग करने के बजाय आप उल्टा फिटिंग कर दोगे, तो क्या है वो बारिश जब होती है ना, तो टायर जब रोड पे चलती है तो उसका पानी जो है छींटा वो अपने शरीर के ऊपर आता है, यानी पीठी के ऊपर आता है। तो आप ये बात ध्यान रखना अगली बार से, और टायर वाले आप ज़रूर ये वीडियो देखिए, क्योंकि मेरे को बहुत मच्छर काट रहा है। माँ कसम मैंने देखा। दोस्तों देख सकते हो यही वो टायर है जिसका एरो सही तरीके से फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा, जो कि आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये मैकव्हील है, ये मैकव्हील को इस तरह से आपको खड़ा कर देना है टायर फिटिंग करने से पहले। उसके बाद इस तरह से टायर को आपको पकड़ लेना है, जैसे कि ये मैकव्हील है, आप देख सकते हो ये मैकव्हील खड़ा कर दिया हूँ, और ये टायर है। टायर और मैकव्हील दोनों को खड़ा कर देना है। उसके बाद मेरे उंगली के सामने आप देख सकते हो ये एरो है। तो अगर इस टायर को आगे फिटिंग करना है तो इस तरह से घूमेगा, जैसा कि मैं अपना उंगली का इशारा करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको मैकव्हील खड़ा करना है और इस तरह से घूमेगा, जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद अगर दूसरे साइड फिटिंग करना है, यानी पीछे के टायर में इसको फिटिंग करना है, तो किस तरह से ये टायर घूमेगा, तो मैकव्हील उसी तरह से रखना है, टायर को घुमा देना है। ये उल्टा घूमेगा, यानी ये आगे की ओर घूमेगा। जैसा एरो जो दिख रहा है ना, वो आगे की ओर से घुमाना है, और आपको चेक करना है कि आगे की ओर एरो किस तरह से घूमेगा। अगर पीछे फिटिंग करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर इस टायर को पीछे के साइड पे फिटिंग करना है तो तीर जो होता है एरो, वो आगे की ओर घूमेगा। अगर आगे के टायर में फिटिंग करना है तो अपने तरफ घुमा करके इशारा से दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको घुमाना है। दोस्तों आगे के टायर में एरो को किस तरह से रखना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया है, और पीछे के टायर में फिटिंग करने से पहले एरो किस साइड रखना चाहिए ये भी मैंने बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस टायर को मैं फिटिंग कर रहा हूँ, और ये ट्यूबलेस टायर है एक्टिवा का, और फिटिंग करके हवा डाल करके कस्टमर को दे दूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक कर दीजिएगा दिल से, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है ना, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।